सोलन नगर निगम के चुनावों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 3 दिनों में करीबन 4,500 बोटें बना दी गई हैं, जिनको सत्यापित किया जा चुका है। ये जानकारी एसडीएम सोलन अजय यादव ने मीडिया को दी। गौरतलब है कि एसडीएम सोलन खुद इस चुनावी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखे हुए हैं और ये प्रक्रिया पारदर्शिता से हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वोट बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिन रात कार्य किया जा रहा है। शहरवासियों द्वारा की जाने वाली आपत्तियों को बिना किसी विवाद के हल किया जा रहा है। शहरवासी भी इस प्रक्रिया से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। एसडीएम अजय यादव ने कहा कि 12 फरवरी को बोर्ड बनाने का कार्य आरंभ हुआ था। ये कार्रवाई 19 तारीख को रात 11 बजे संपन्न हुई है, जिसमें वोटों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया। उन्होंने बताया कि अब शहरवासी इन वोटों पर 22 फरवरी से पहले अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। 26 फरवरी को मतदाताओं की अंतिम सूची पारदर्शित कर दी जाएगी। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन अनुमति देगा तो ₹50 शुल्क के साथ और वोटें बनाई जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जो भी पात्र व्यक्ति है वे मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे और सभी का वोट समय पर बन जाए। ये जो नगर निगम चुनाव के लिए वोट बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ये 2 फरवरी से स्टार्ट हुई थी और फिर 12 फरवरी से 16 फरवरी तक लोगों को अपने फॉर्म सबमिट करने थे। 16 फरवरी के बाद 17, 18, 19 को उनकी वेरिफिकेशन होनी थी, तो कल वेरिफिकेशन की आखिरी डेट थी और कल एक काउंटर हमारा 8 बजे तक चलता रहा जहाँ पर वेरिफिकेशन चलती रही। दूसरे काउंटर पर रात के करीब 11 बजे तक वेरिफिकेशन का प्रोसेस कम्प्लीट हुआ। उसके बाद लोग कंपाइलेशन में लगे हुए हैं, अभी भी कंपाइलेशन चल रहा है और एग्जैक्ट फिगर आपको देर शाम तक पता चल जाएंगे। और 19 के बाद अगर जो हमारे रिजल्ट आते हैं वेरिफिकेशन के, उस पर अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति हमारे पास एसडीएम ऑफिस में सबमिट करा सकते हैं 22 फरवरी से पहले। और जो फाइनल पब्लिकेशन होगा इलेक्टोरल रोल का, जो कि फाइनल माना जाएगा, वो 26 फरवरी को होगा। और जो एक बात और भी चली कि कुछ लोग के सप्लीमेंट्री वोट जो बनते 50 रुपये दे के, वो 26 फरवरी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के जैसे निर्देश होंगे उनके निर्देशानुसार बनाए जाएंगे। बट मुझे लगता है कि अभी हमने 2 बार ये प्रोसेस कंप्लीट किया, इससे पहले भी नगर आयोग के अध्यक्षता में एक बार रिविज़न हुआ था जहाँ पर लोगों के फॉर्म लिए गए थे, तो उस समय काफ़ी लोग छूट गए थे, उनकी शिकायतें थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पेशल रिविज़न कराया था और इसमें करीब 4,500 फॉर्म हमारे पास आए थे। तो ये प्रक्रिया 2 बार हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा लोग अभी छूटे होंगे। फिर भी अगर 1-2 लोग जो भी छूटे हुए हैं उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग जैसा हमें निर्देश देगा 26 फरवरी के बाद, उसके निर्देशानुसार उनके वोट बनाए जाएंगे।